आदर्श ग्रस ने इनवाइट किया है मुझे आदर्श पढ़ने के लिए कुछ बोलने के लिए वी ऑल नो जी कितने पेरेंट्स तरीके से भक्ति करते हैं और उसमें सिखाते हैं तो आज जैसे मैं अंदर आया तो मैं भक्ति के अचंभा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सब अपना ही परिवार है और सब इसमें दामोदर प्रभु जी के खून से इकट्ठा हुआ है पिताजी के साथ एक बच्चा जा रहा था जॉगिंग कर रहा था सुबह सुबह तो दौड़ते दौड़ते जा रहे जाके रुक जाते एक जगह बच्चा पापा बोलते बेटा ठीक है ना तुम सब बोले पापा आपसे ना एक बात करनी थी घर में तो नहीं कर सकता था यहाँ कर बोल बेटा क्या बात है बोले मेरी ना उम्र हो गई है बोले उम्र तो मेरी भी होगी पापा मेरी एक्चुअली उम्र हो गई है मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को शादी कर लेनी चाहिए शादी चुप तू शादी करना चाहती पापा शादी की तो बात कर रहा हूँ चुप मुंह बंद कर ले तो बदतमीज शादी की बात करता है पापा व्हाट स्ट्रॉन्ग शादी की तो बात कर रहा हूँ आपने भी तो करी शादी तभी तो मैं आया मुंह बंद कर ले तो एक शादी की बात नहीं सुनना चाहता मैं मुंह बंद कर लिया शांत हो गया बिल्कुल बोले हाँ बेटा अब नाउ यू आर ऑल क्वालिफाइड टू गेट मैरिड क्या हो गया बाबा ये क्या हो क्या बोल बोले हाँ बेटा जब तेरी गलती नहीं भी है और तू अपनी गलती मान ले और चुप हो जाए देन दैट मींस यू आर ऑल क्वालिफाइड टू गेट तो ये स्थिति में नहीं है आर यू रेडी टू बिकम फ्लेक्सिबल बड़े सारे झटके मिलेंगे बड़े सारे गड्ढे मिलेंगे पर उन सब रास्तों में आप साथ चलने को तैयार हैं दैट इज गृहस्थ आश्रम होटल और आश्रम में क्या डिफरेंस होता है कौन बताएगा होटल और आश्रम होटल गया कोई वो होगा सकता कोई वो थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार होटल होटल के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है और आश्रम में सर्विस नहीं है होटल में सर्विस मिलती है आश्रम में सर्विस नहीं मिलती है ठीक है उसे करना पड़ता है काम एक बहुत सिंपल डिफरेंस रहता है होटल में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कभी भी आप चेक इन करो कभी भी आप चेकआउट करो रात को 11 बजे 12 बजे चले जाओ होटल में सोने के लिए बाहर निकलने के लिए घूमने के लिए खाने के लिए पीने के लिए कोई पाबंदी नहीं है मगर आश्रम में रूल्स होते हैं जैसे यहाँ पर गेस्ट हाउस है इस मोर लाइक एन आश्रम रात को 10 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगा आपको सुबह 4 बजे से पहले आप बाहर निकल नहीं सकते दैट इज आश्रम तो आश्रम में क्या होता है रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं और नियमों का फायदा किसको होता है जो व्यक्ति उसको पालन कर रहा है उसको फायदा कर रहा है आप यहाँ से जा रहे हैं रेड लाइट पे रुकना पड़ता है तो कोई बोले रेड लाइट पे रुक क्यों रहे हम जाने दो ना मुझे ये तो मेरे को रोक रही है मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए वो जो रेड लाइट आपको रोक नहीं रही है आपको अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँचाने के लिए हेल्प कर रही है अगर रेड लाइट नहीं होगी तो कभी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएंगे तो रूल्स रेगुलेशन हमें सपोर्ट करते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ऐसे ही जब हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की तो आश्रम के भी अपने रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं और जब उन नियमों का पालन किया जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ तो हमारा जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम कृष्ण का धाम बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता किसको सुनाई थी ऑप्शन आपके पास चार ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास किसको दी थी अर्जुन को सुनाई थी अर्जुन कौन है भगवान नारद मुनि को भी चुन सकते थे नारद मुनि ट्रेवल करते रहते ना अर्जुन नारायण नारायण नारद मुनि कौन है ब्रह्मचारी है मगर उनको गीता नहीं सुनाई किसको सुनाई एक स्पेसिफिक गृहस्थ को चुना अर्जुन को चुना गीता सुनाने के लिए क्योंकि उनको पता है आगे चलकर 99.9% लोग क्या होंगे हम जैसे गृहस्थ होंगे अभी आप देख सकते हैं पूरी सभा में ब्रह्मचारी दिखते हैं वेरी रेयर बहुत लिमिटेड है तो ये जो प्रजाति है लुप्त होती जा रही है ऐसे जो भक्त हैं जो अभी भी मेंटेन कर पा रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम तो महान है बट
कलयुग में तो 99.9% लोग क्या होंगे, व्यस्त ही होंगे। इसलिए भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया। सो दैट इज गृहस्थ आश्रम में रह के भी भक्ति करना बहुत सुलभ है और इसमें सारी फैसिलिटीज है, बट हमें क्या करना है, हमें नियमों का पालन बहुत दृढ़ता से करना है और हमारे जो गुरुजन है उनका आश्रय पकड़ के रखना है, उनके चरणों का आश्रय पकड़ के रखना है, तो फिर इस गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। सो वी प्रे फॉर द बोथ द सोल्स जो मिले हैं एक पर्पस के लिए, प्रभु पर्पस है कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया था किसी ने, जैसे आप कभी तालाब के किनारे बैठे हैं तो क्या करते हैं लोग, तालाब में पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो तालाब में वेव्स बनती हैं, है ना, तो आपने एक पत्थर यहाँ पे फेंका, दूसरा पत्थर दूसरी जगह फेंका, तो यहाँ से वेव्स बनेगी, यहाँ से वेव्स बनेगी और दोनों वेव्स आपस में कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही जब दो लोग अलग अलग विचारधाराओं के एक साथ मिलते हैं तो आपस में क्या होता है, आपस में कनाडनी होती है, बर्तन बजते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, यही होता है। मगर अगर आप एक ही जगह पत्थर फेंकते रहेंगे, एक ही पॉइंट पे बार-बार पत्थर फेंकते रहेंगे तो क्या होगा, उसकी वेव्स कंस्ट्रक्टिव वेव्स बनती है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। सो दैट मींस जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं, दो लोग एक साथ जुड़ते हैं, उनका सेंटर अगर एक है, दैट इज कृष्णा, कृष्ण को अपना सेंटर बनाते हैं, दैट मींस आपके जीवन में जो वेव्स आएंगी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वेव्स आएंगी, तो फिर कोई दुविधा नहीं होगी, कोई विचार धारा में मतभेद होने के कारण आपस में मतभेद नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ग्रेस्ट लाइफ मींस कीपिंग कृष्णा एट द सेंटर। या भगवान को क्या अच्छा लगता है हमें वो कार्य करने हैं, भगवान के लिए क्या भोग बनाना है हमें वो भोग बनाना है, भगवान के लिए कौन सा पर्दा लाना है, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, उस भाव से जब हम अपने घर को सजाएंगे, घर को मेंटेन करेंगे तो घर में शुद्धता आएगी, घर ऑस्पिशियस बनेगा, मंगल बनेगा और उस मंगल घर में हम उस मंगल भगवान को दिखा सकते हैं, फिर तब जाके क्या होगा, हमारा जीवन मंगलकारी होगा। और सबसे प्रमुख कार्य जो गृहस्थों का होना चाहिए वो है हरि नाम का आश्रय। तो मेरे पीछे आप दोहराइए एक बार, मंगलम मंगले भ्योपि पावनम पावने भ्योपि हरे नामेव केवलम। क्या मतलब है, इस संसार में बहुत सारी मंगलकारी चीजें हैं और बहुत सारी मीठी चीजें हैं, मिलेगा ना पुरस्कार, तो सबसे अच्छा क्या लगता है हमें, तो बहुत सारी मीठी मीठी चीजें हैं, रसगुल्ला है, रसमलाई है, आइसक्रीम है, कस्टर्ड है, तो सब मीठा देती है हमें, मिठास देती है, मगर इन सब मीठी चीजों में तो सबसे ज्यादा मिठास है वो किसमें है, किसमें है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। मगर हरी नाम में इतनी मिठास है कि जितना मीठा आप खाएंगे आपके लिए उतना ज्यादा मंगलकारी भी है, इसलिए मंगलम मंगले भ्योपि। ये सारी मंगलकारी चीजों में से जो सबसे ज्यादा मंगलकारी चीज है वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। साथ साथ ये पावर भी है, ये प्योरीफाइंग भी है। रसगुल्ला खा लेंगे तो भारी भारी लगेगा, ज्यादा रसगुल्ला खा लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, मगर हरि नाम ज्यादा ले लिया तो आपका शुद्धिकरण भी हो जाएगा, इसलिए पावनम पावने जो भी ऐसा है हरि नाम। तो गृहस्थ जीवन में अगर हम हरि नाम को पकड़े रहेंगे, गुरुजनों का आश्रय स्वीकार करेंगे, भक्तों की सेवा करते रहेंगे, तो गृहस्थ जीवन होने के बावजूद वो जीवन ब्रह्मचारी जीवन से कम नहीं है।